नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। कई दिन हो गए वीडियो बना नहीं पाया, उसके लिए खेद है। विराम चिन्ह के 4 वीडियो बना चुका हूँ, ये 5वां है और अंतिम है। पहले विराम चिन्ह को पूरा करता हूँ। मेरे साथ 2 प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो मैं कंपटीशन की तैयारी वालों को भी लेकर चलना चाहता हूँ, आगे रीट का एग्ज़ाम है और साथ में एग्ज़ाम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन बच्चों के भी हैं, तो इनके लिए भी व्याख्या कैसे करते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, ये भी थोड़ा बताना चाहता था। तो मैंने ये तय किया है कि पहले बेसिक चीज समझा दी जाए, उसके बाद में विविध प्रकार के उदाहरणों से अभ्यास करवाना वो अलग बात है, वो कंपटीशन में काम आते हैं, लेकिन पहले बेस मजबूत कराया जाए, पहले उस चीज को समझाया जाए। मेरी मान्यता है कि पहले बच्चों को परिभाषाओं से बाहर निकाले, वो क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, अलंकार क्या है, शब्द शक्ति क्या है, पहले उनको ये समझाया जाए। अमूमन देखा गया है कि ये सारी चीज़ें बच्चे एक अलग अलग टॉपिक सा मानकर परिभाषाओं में कैद करके और उस व्यू में लेते हैं, तो वो उनमें घबराहट रहती है कि ये तो भूल गए, इसमें क्या होता है, ये परिभाषा भूल गए। तो उन परिभाषाओं से बाहर निकालना मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं छोटे पैमाने पर वीडियो शुरू करता हूँ ताकि बच्चों का बेस मजबूत हो जाए। जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो अगर उन टॉपिक को समझ लेंगे तो फिर आगे कंपटीशन में सहायता मिलेगी। तो कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए विविधता भरे जो प्रश्न है, आडे टेढ़े कैसे पूछते हैं, कैसे ऑप्शन तैयार करते हैं, उनमें से कैसे छांटे, तो ये बातें भी लेकर चलूंगा मैं, लेकिन इनके लिए विस्तार वाले वीडियो बाद में बनाऊंगा। और ये जो वीडियो है इनको आप अनदेखी मत करें, क्योंकि बेस मजबूत करने वाले हैं और इन्हीं में कुछ बातें, कुछ प्रश्न मैं ऐसे बता देता हूँ जो कंपटीशन में हमारे लिए सिद्धत बन जाते हैं, तो उनका ऑप्शन कैसे छांटे, ये बातें भी मैं इन्हीं में बता दिया करता हूँ। तो किसी भी वीडियो को हल्के में न ले, बेस मजबूत होगा तो ऑप्शन छांटने में आसानी होगी। तो लीजिए, पहले मैं विराम चिन्ह का टॉपिक पूरा करवा देता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। लोप चिन्ह, ये कोई पद होता है या कोई बात कहने वाली होती है तो आगे पूरी नहीं कर पाए और उन्हीं संकेतों से समझाएं तो ये चिन्ह आ जाता है, या कई बार पूरा जो पद है वो पद ना लिखें, कुछ पंक्तियां उनके बीच में से छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमें वो पद हिंट में समझाना होता है, पूरा पद लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहली लाइन और अंतिम लाइन लिख देते हैं, बीच में ये इनको पद लोप भी कहते हैं, पद लोप, सीधा ही लोप कह दो भले या पद लोप कह दो, तो ये आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुझत श्याम डैश डैश डैश, ये पद लोप लगा दिया हमने, राधिका बोरी, तो पूरा पद लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए कि इस पद की व्याख्या की जा रही है या इस पद के बारे में बताया जा रहा है, तो ये पूरा पद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ये भी लगा सकते हैं, जैसे एक लाइन पूरी लिख दी, बरन बरन तो फूल उपवन बन, अब बीच की 4-5 और पंक्तियां वो मैंने आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि मुझे पद के बारे में जानकारी देनी है, तो फिर नीचे वाली लास्ट लाइन मैंने बता दी, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है, तो इसमें हमने पद लोप चिन्ह का प्रयोग कर लिया। इन वाक्यों को देखें, माँ बोलो तो, यहाँ माँ को संबोधन कर रहा है ना, तो यहाँ अल्पविराम, ये पहले बता चुका हूँ, माँ बोलो तो यहाँ कुछ शब्द नहीं बताए जा रहे, तो उनके लिए लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया, तुम्हारा सब काम करूँगा। दोबारा देखें, माँ बोलो तो तुम्हारा सब काम करूँगा, यहाँ कुछ विराम आया है लेकिन शब्दों की अभिव्यक्ति यहाँ नहीं कर पा रहा, तो यहाँ लोप चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। एक और वाक्य देखें, तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे, बोलो, अब ये बोलो के आगे कुछ शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं की, तो यहाँ लोप चिन्ह का प्रयोग करके अपनी बात को पूरा किया गया है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखें, इतिश्री या समाप्ति चिन्ह जो होता है वो, जब कोई निबंध वगैरह या कोई टॉपिक या कोई पाठ पूरा हो जाता है तो इतिश्री चिन्ह लगा देते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, कोई ऐसे लगा देता है, कोई ऐसे लगा देता है, और मैं ऐसे लगाता हूँ।
तो ये अलग अलग है, ठीक है। आप कोई भी समाप्ति सूचक चिन्ह लगा सकते हैं, ये दो चार चिन्ह इस तरह के गाइडों में आपको मिल जाएंगे। विकल्प चिन्ह, कोई दो चीजों में से एक को चुनना हो तो उनके बीच में विकल्प लगा देते हैं। शब्दों में बोलना चाहे तो उसी चिन्ह को अथवा बोल सकते हैं, कई बार वो इंग्लिश में बोलते हैं ना ओब्लिक, है ना, तो वो ये है। और कई बार दो समानार्थी शब्द होते हैं तो उनके बीच में भी लगा देते हैं। तो ये देखिए, समान अर्थ, समान मूल्य, समान मान, तो इनके बीच में मैंने ये विकल्प चिन्ह लगा दिया दिखाने के लिए, तुल्यता समता। अब ये दोनों एक ही बात है तो यहां फिर लगा दिया, मैंने दो बार प्रयोग कर लिया। तुल्यता समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने तुल्यता चिन्ह की परिभाषा लिखी है। तो इसमें मैंने इस परिभाषा के बीच में मैंने विकल्प चिन्ह का प्रयोग कर लिया। तो देखें, समान अर्थ, समान मूल्य अथवा समान मान दिखाने के लिए तुल्यता यानी समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप समझ गए विकल्प चिन्ह को। अब है पुनरुक्ति। ये क्या होता है कि एक जो कथन हमने लिख दिया उसी की दोबारा जरूरत पड़ती है, या एक शब्द हमने लिख दिया उसी के नीचे वही शब्द दोबारा नीचे, तो उसी के नीचे हम पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं। ये इस तरह से यहां देखें, श्री मोहनलाल, फिर बार बार श्री ना लिखें, इस प्रकार से कहीं रजिस्टरों में जरूरत पड़ती है, जगह कम होती है, तो हम यूं कर सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देखें, आम के आम, गुठली के दाम, ये लोकोक्ति है, मैंने बताना चाहे। फिर नाको चने चबाना, ये मुहावरा है, मैं जानकारी देता जा रहा हूं। फिर है कलम तोड़ना, ये भी मुझे लगा कि लोकोक्ति है तो मैं लोकोक्ति लिख दूंगा, लेकिन ये लगा कि मुहावरा है और मुहावरा पहले से लिखा हुआ है, तो मैं ये जो है पुनरुक्ति चिन्ह यहां लगा दूंगा। आप समझ गए। अब है संकेत चिन्ह, ये भी इतिश्री की तरह दो तीन प्रकार से लगाया जा सकता है, ठीक है, कोई फिक्स एक नहीं है। कई बार तो ऐसे लगा देते हैं, कई बार स्टार बना देते हैं, और कई बार कोई अक्षर डाल देते हैं। ये कब प्रयोग में आता है, ये देखें, हम कोई पद लिख रहे हैं, वहां हमें कोई शब्द लिखना पड़ गया और हमें लगा कि इसकी जानकारी भी देनी है, तो हम उस शब्द के ऊपर या तो स्टार लगा देंगे या कोई चिन्ह लगा देंगे, उसी के नीचे वो निशान, वो चिन्ह या वो नीचे लगा करके, और फिर उसका शब्द का पूरा विवरण दे देंगे। तो पढ़ने वाला उस शब्द के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहेगा तो नीचे वो स्टार लगा हुआ है या, तो उसको नीचे वो पढ़ करके उस शब्द की पूरी जानकारी ले सकता है। तो इस प्रकार वो स्टार लगा दिया जाता है, उसको संकेत चिन्ह कहते हैं। तो ये विराम चिन्ह मैंने अपने हिसाब से पूरे कर दिए हैं। आपको विराम चिन्हों के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये तो थी बेसिक बातें। अब कंपटीशन में ये कैसे काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे, तो विविध प्रकार के उदाहरण, विविध प्रकार के वाक्य बना बना करके पूरी तैयारी करवाऊंगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा पूरा विस्तार से चलेंगे, लेकिन मैं इतना डीपली इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने ये चैनल अभी शुरू किया है, तो पहले मैं मेरे हिसाब से सारे टॉपिकों को क्लियर करवाना चाहता हूँ, उनकी परिभाषाओं से बाहर निकाल करके और फंडामेंटल क्या है ये चीज़ क्लियर करवा के, बेसिक नॉलेज देकर फिर उसकी गहराई में जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।